हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो जितने भी 9th वाले स्टूडेंट हैं तो अपने साथ वालों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, तो 9th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एंड जल्दी से जल्दी हम 9th का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1.1। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्या शून्य है परिमेय संख्या है। इससे पहले हमें परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जान लेना चाहिए। इसकी परिमेय संख्या और अपरिमेय प्राकृतिक पूर्ण संख्या की वीडियो मेरी पहले अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार परिमेय संख्याएं बता देता हूँ। ठीक है, परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में, ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती है पी अपॉन क्यू के रूप में। जैसे मैं आपसे बोलूं कि पी अपॉन क्यू मतलब सिंपल सा समझो यार, बट्टे के रूप में। ठीक है, सिंपल सा हमें समझना है कि बट्टे के रूप में, जैसे 1/2, 4/5, 3/5, 6/5, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, मतलब इन्हें हम बट्टे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक है परिमेय, अपरिमेय क्या होती है, देखो जैसे √3 है, √1, 2, √5, √7, √11, तो ये जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि हम इन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, हम इन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं होती है, एंड जिन्हें नहीं कर सकते अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, सिंपल सा है, आ रहा समझ, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो यह है अपरिमेय परिमेय का सिस्टम, समझ आ गया होगा आपके। एंड अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। मैं कहता हूं हाँ, अब मैं हाँ कह रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं, देखो शून्य है, अगर मैं इसको बट्टे दो करूं तो हो जाएगा ना, शून्य बट्टे एक करूं तो हो जाएगा, शून्य बट्टे तीन करूं तो हो जाएगा, मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में इसे व्यक्त कर सक रहा हूं। तो मैं आंसर में क्या रख दूंगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये आंसर इसका आ गया। एंड अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल है सर, क्वेश्चन पूछा जाता है बट सिंपल है। ठीक है, क्या करना है देखो हमको, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो। ठीक है, 3 और 4 के बीच सबसे पहले हम लिख देंगे 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो 3 और 4 के बीच, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों को 10 से गुणा भी कर दो, 10 से भाग, इसको भी 10 से गुणा 10 से भाग, इसको भी 10 से गुणा 10 से भाग, मेरी परिमेय संख्या निकल जानी है। इसको 10 से गुणा करो एंड 10 से भाग करो, और ऐसे ही आएगा, इसको 10 से गुणा करो, 10 से भाग करो, सिंपल निकाल दो। 10 3 3 30/10 और 40/10, ठीक है, तो आगे इसके बीच में लिख लो, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ठीक है, तो निकल गई इसके बीच में से परिमेय संख्या, 2 2 4 2 6 परिमेय संख्या। बस क्वेश्चन में क्या था, बस 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग कर दो, परिमेय संख्याएं आपकी निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सिंपल है, अभी बताया मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में कि 10 से गुणा कर दो और 10 से भाग कर दो। 3/5 और 4/5 हम ऐसे ही लिखेंगे, कर दो 10 से गुणा और 10 से भाग। ठीक है, 10 से गुणा और 10 से भाग सीधे कर दो, निकाल दो। दस से गुणा और 10 से भाग, ठीक है, 3/30 / 5/50 और 40/10,
50 निकाल दो संख्याएं, कुछ नहीं, द्विज की संख्या 31 बट्टे 50 कितने निकाल दिए, 5 निकाल दिए, 32 बट्टे 50, 33 बट्टे 50, 34 बट्टे 50, 35 बट्टे 50, 1 2 3 4 5 निकल गई आपकी पांच परिमेय संख्या। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं, इतना ही है क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल एकदम सरल प्रश्नावली है एंड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर इतना हुआ क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसको करके नहीं आया तो फिर तो शर्म है आपके ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण देने, ठीक है। तो पहला बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 मतलब गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, एंड पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, दोनों अनंत तक है, ये भी अनंत तक, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या, ये पूर्ण संख्याएं हैं, है हाँ है, ये तो है, तो सही आ रहा है समझ, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हाँ होती है, क्यों, कारण दिखा दो, हाँ देखो जैसे एक एक प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है, ठीक है, आ गया उत्तर, बस प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्णांक में क्या आता है, -1 -2 0 1 2 कुछ इस टाइप से, ठीक है, 1 2 3 मतलब माइनस में भी आता है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 माइनस में नहीं होती पूर्ण संख्याएं। अगर आपने पूर्ण प्राकृतिक परिमेय अपरिमेय संख्या वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाइए, ठीक है, वहां पे आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आ रहा है समझ, ठीक है। तो ये होगी मेरी ये नहीं है, ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों, ये प्रत्येक पूर्णांक देखो माइनस में है तो यहाँ माइनस में होता नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो कारण दे दोगे, क्यों, क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, या -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है मेरी, 1/4 परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं है, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, जैसे 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, देखो 1/2 है कहाँ से पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट रहा है, 0 नहीं आना है, 1 भी नहीं आना है, 2 भी नहीं आना है, 3 भी नहीं आना है, भाग देगी क्या क्या आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो प्रश्नावली यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अरे यार जल्दी से जल्दी सारे अपने दोस्तों को जोड़ो, ठीक है, क्योंकि क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, तो अभी कुछ टाइम बचा है आपके पास, अगर हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद सीधे एग्जाम ही हो, तो इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं कल दूसरी प्रश्नावली के साथ, ओके, थैंक यू।